हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आप लोग के लिए हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मेरा। हैप्पी न्यू ईयर 2022। आज भी बोल रहे हैं सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए हमारा हो गया है डिनर नहीं बनाई, वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ ठीक है नहीं किसी का, तो अभी तो मुझे आराम है थोड़ा। मेरे पतिदेव को देख सकते हैं, ये मास्क लगा के सो रहे हैं ताकि खांसी आए, इस मास्क पे ही रहे किसी और को और खांसी सर्दी ना हो। हाँ ये ऐसे ही है, सबको सर्दी और खांसी है घर में। हाँ मना कर रहा है तो नहीं मान रहे हैं। और देखिए मैं बनाई थी खिचड़ी, खाए पेट फूल। आप सब देख सकते हैं खिचड़ी बनी थी, अब इतनी बची है, सबने थोड़ा थोड़ा खाया, जिसको जो मन किया थोड़ा बहुत। तो ये है कि मैंने कुछ बनाया नहीं खास, मन नहीं कर रहा था, अभी क्या सर्दी में सब तेल तेल और खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए कुछ मन नहीं कर रहा था। कल देखूंगी, संडे है तो कल कुछ क्या देखिए बनेगा या तो कुछ बनाऊंगी, नहीं तो नहीं, देखते हैं आराम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सब्जी रोटी बन जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ, मैं बर्तन धो लूँ, किचन उचन साफ कर लूँ, फिर मिलती हूँ। बर्तन धुल लिए, सब बर्तन धोई, मैं बर्तन धुल रही थी, बच्चे मेरे बिस्तर लगा रहे थे एकदम भारी भारी। दिखाऊँ क्या? देखो ये हम दोनों अकेले मिल गए, हम दोनों अकेले किए थे। मम्मी पापा का तबीयत भी खराब था, पापा का थोड़ा ही था, ये इतना भारी भारी हम लोग किए हैं और नीचे चटाई बिछा दिए हैं। ऑरेंज ऑरेंज ए देखो आ आ आ आ आ के बाद ई ई ऊ ऊ इनका देखो अभी क्या कर रहे हैं, दवा खाएंगे, सो गए थे, उठाए तो दवा खाए, बोलना पड़ता है दवा के लिए। बोला कि देख लो मैं क्या किया। पापा पकड़ो पानी, गरम पानी है, क्या दर्द कर रहा है, मुझे दबाऊंगा दबाऊंगा ना वीडियो, हां गरम पानी कचरा बाहर करो। बच्चे मेरे कर भी दिए, ऊपर से ये है वो है बोल रहे हैं, इनका तो बहुत रहता है। सही तो क्यों यार ऐसा, वो भी तो मम्मा चिल्ला लेगा लेकर, फिर पापा को लेगा मच्छर। सही है भाई, दर्द हो तो हाँ, ये बोलते हैं कि 10-15 लोगों को जो दर्द होता है वो अकेले मुझे दर्द होता है, जब सर्दी इनको होती है ना तो ऐसा बोलते हैं, मुझे भी हुई है, लेकिन मैं ऐसा करने बैठूंगी तो घर का काम कौन करेगा, बोलते हैं कि तुम्हें नहीं होता होगा, बताओ मुझे तकलीफ नहीं है और इन्हें ज़्यादा है, इनको जब सर्दी होगा ना मेरे बच्चों से ज़्यादा इनको तकलीफ हो जाती है। और देखो रात भर ऐसे करेंगे, बहुत मैं परेशान हुई आज रात भर, सुबह 6 बजे कैसे कैसे आँख लगी, फिर पानी आ गया, ये बहुत परेशान करते हैं मेरे बच्चों से भी ज्यादा। देखो रात भर माई उमाई करेंगे, हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए मैं कल नाइट में बस उतना ही वीडियो शूट कर पाई, मॉर्निंग में भी नहीं कर पाई, तबीयत ठीक नहीं चल रही, किसी के इसलिए मन नहीं हुआ। और मैं इतने टाइम बनाने जा रही थी मैं आलू की पकौड़ी, क्या होगा मेरे हाथ में अच्छा छिलका, तो मैं बोली क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और आप लोगों के मुँह में पानी लाया जाए, आप लोग वहीं से देख के खा लीजिएगा। देखिए चटनी मेरी बन गई है, रेडी है, लहसुन धनिया मिर्ची, हरा धनिया मिर्ची है और लहसुन भी हरा है, टमाटर डाल दिया है और इसमें मैंने नमक हल्दी डाल दिया, इसका मैं घोल बनाऊंगी और इन्हें कट कर लूंगी। क्या बना रही हूँ, क्या बनाऊँ, तो मैं इसके सहारे से मैं मिक्स कर लेती हूँ, पूरा अच्छे से घोल तैयार करूँगी, पहले मैं इसको ऐसे मिक्स करूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं करूँगी,
पानी दो शशांक, शशांक मेरे वहाँ से पानी देगा। मैं ऊपर से ले लेता हूँ पानी। हाँ डालो शशांक, थोड़ा 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 थोड़ा, आधा ग्लास डालो, आधा ग्लास डालो, डालो डालो, पूरा भी डाल दो, चलेगा क्योंकि लगेगा ही, डाल दो पूरा। हाँ बस रुक जाओ अभी। ओ भाई पुल बन गया, पुल बन गया, शशांक इसमें तैरेगा। नहीं किचन वाला है, किचन नहीं मैदा। ए मत फेंको मेरे ऊपर। तो चलिए मैं इसका खुद तैयार करके फिर मिलती हूँ, क्योंकि एक हाथ से नहीं हो रहा है। ओके तो अभी ये लोग कर रहे हैं। ये देखो मजा भी आता है करने में। मजा नहीं करना है मुझे, बनाऊ नहीं फिर मैं बना दो मम्मी। भगवान तो मुझे तो देखिए फ्रेंड्स, उसका बेटर ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है ना ज़्यादा पतला बनाना है। देखिए बस ऐसे रहना चाहिए ताकि इसमें आलू अच्छे से लिपट जाए। तो चलिए गए, उन लोग को होमवर्क की याद आ गई, होमवर्क भी करना है। तो देखिए दिन भर बस पेपर काट के ये वो, कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाता है ये एरोप्लेन, बहुत परेशान कर दिए। अब मैं कढ़ाई ले लूँ, तेल ले लूँ, फिर ना बनाऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह मैं बना ले रही हूँ, और आ गए थे गेस्ट, इनके फ्रेंड आ गए थे और उनकी वाइफ फैमिली के साथ आए थे, तो मैंने चलो साथ में सब खा भी लेते हैं। तो मैं इसी बना रही हूँ, मैं वहाँ पे नहीं बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बोली वही सबर कर दूँगी। तो एक बार मैंने बना के निकाल के दे दिया, सब खा रहे हैं, मैं दोबारा डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, और मुझे प्याज का नहीं अच्छा लगता है, पता नहीं बनेगा। बहुत खाऊंगी तो एक ही दो पीस खाऊंगी, और ज़्यादा नहीं, तो बच्चे भी नहीं खाते इसलिए बनाती नहीं। बाजू में चाय बन रही है मेरी, तो मैं इसी तरह बना रही हूँ, बना के निकाल लूँगी। आइए आप लोग भी गर्मा गर्म खा लीजिए, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारा न्यू ईयर बस कुछ खास नहीं था, ऐसे ही था, खिचड़ी पार्टी रेडी है। आप लोग भी कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।